शाहरुख खान की फिल्म जवान ने तो तहलका मचाया था बॉक्स ऑफिस में, ये तो आप सबको पता है। अब उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब सातवें हफ्ते में, रिलीज के सातवें हफ्ते में जवान की कमाई की जो स्पीड है वो कम हो गई है, लाखों तक सिर्फ सिमट गई है। पहले ही दिन इस फिल्म ने काफ़ी रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली ये फिल्म बन चुकी थी। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी अब तक की बन चुकी है। अब लेकिन ये फिल्म टिकट खिड़की पर कारोबार करते करते थक रही है कहीं ना कहीं, और इसके कलेक्शन में इसी वजह से गिरावट भी आ रही है, और कहीं कहीं तो ये फिल्म अब जो है वो पर्दे से भी उतरनी शुरू हो चुकी है। फिल्म के सातवें हफ्ते की बात करें तो सातवें फ्राइडे को फिल्म ने कमाया है तकरीबन 15 लाख रुपए, उसके बाद सातवें शनिवार को 30 लाख रुपए, सातवें रविवार को 35 लाख रुपए का बिजनेस किया है, और सातवें सोमवार को फिल्म ने 26 लाख तक की कमाई की है। सातवें मंगलवार का फिल्म का कलेक्शन रहा है 37 लाख, और अब जवान की जो रिलीज है उसके सातवें बुधवार यानी 49th डे की जो कमाई है वो भी आ गई है शुरुआती आंकड़े। उसमें पता चला है कि जवान अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज से भी पिछड़ गई है। हालांकि मिशन रानीगंज अपनी स्टार्टिंग में कोई अच्छा खासा कारोबार उसने नहीं किया है, बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए भी संघर्ष कर रही है ये फिल्म, लेकिन अपनी रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार फिल्म ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान को पीछे छोड़ दिया और 21 लाख रुपए का बिजनेस किया। इसी के साथ मिशन रानीगंज की 20 दिनों की कुल कमाई की अगर हम बात करें तो वो अब तक हो चुकी है 32.48 करोड़ रुपए। जवान की कमाई की रफ्तार अब काफी धीमी हो चुकी है, फिल्म के लिए जरा सी भी कमाई करने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में जवान का 650 करोड़ का आंकड़ा छूना अब नामुमकिन लग रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह कि जवान का बॉक्स ऑफिस पर कब पैकअप होगा।